फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन और 2 कप सूजी, पिंच नमक और 3/4 कप के करीब घी। आटे के घी का मोइन लग चुका है, इसकी बाइंड अच्छे से आ रही है। अब हम इसे गुनगुने पानी से इसका सख्त आटा गून लेंगे। अब हम इस आटे से ऐसे मुठिया बना लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं, आप द्राक्ष भी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, खसखस भी ले सकते हैं। आपको इसमें कोई और ड्राई फ्रूट डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम उसी पैन में तेल डालेंगे जिसमें हमने जो मुठिया बनाए थे वो डीप फ्राई करेंगे। जब तक तेल थोड़ा गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे एक पतीले में 1 कप शक्कर और 1 कप पानी डाल के शक्कर को अच्छे से उसमें घोल लेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है गाढ़ी वाली, बस एकदम शक्कर घुल जाए इतना गर्म करना है बस। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब पिसी हुई इलायची डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे फुल फ्लेम पे ना कुक करें वरना वो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा।
इसलिए इन्हें अच्छे से अंदर से भी पकने दें। हम इसको ठंडा करके फिर इनको पीस लेंगे। अब हमने जितना बनाया है उसका हम हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आधा हम शुगर फ्री बनाएंगे और आधा स्वीट। अब हमने काजू बादाम जो रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे। आपने जो जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हो और डेसिग्नेटेड कोकोनट भी आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर हमने जो घोल तैयार किया था चीनी का वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के फिर मिक्स करेंगे और फिर इनकी लड्डू बना लेंगे। अब हम बना रहे हैं शुगर फ्री लड्डू, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर फ्री। यहाँ पे मैंने लिए 3/4 कप शुगर फ्री और हम जितनी शुगर फ्री ले रहे हैं हम उतना ही पानी लेंगे। इसे हल्का गुनगुना गरम करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें भी काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। फिर हमने जो घोल तैयार किया था वो डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लड्डू बना देंगे।
It's ready. एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और ऐसी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।